ऑलराइट गाइस, एक बार फिर से हम लोग पधार चुके हैं माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में, जहाँ पे हम लोग को सरवाइव करने हैं 100 डेज। बट यहाँ पे एक बट यहाँ पे होने वाला एक काफी अमेजिंग वाला ट्विस्ट। वो ट्विस्ट ये होगा कि भाई हम लोग को डायमंड को हाथ नहीं लगा सकते, मतलब कि हम लोग को छुआछूत की बीमारी है और हम लोग टच नहीं कर सकते डायमंड को। हम आयरन यूज कर सकते हैं, नेदरराइट यूज कर सकते हैं, बट नेदरराइट कैसे मिलेगा विदाउट डायमंड। वीडियो का जो चैलेंज है वो काफी इंटरेस्टिंग बनाता है हमारी पूरी वीडियो को, सो प्लीज वीडियो को पूरे की पूरी देखना, थोड़ी सी भी स्किप करने की भूल मत करना। एंड एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ तुम लोग को, भाई तुमको क्या दिक्कत है यार, वीडियो पूरी देख रहे हो तो सब्सक्राइब लाइक भी कर दो, इतनी अच्छे से बना रहा हूँ वीडियोस में, बहुत मेहनत लग रही है। 100 डेज में पूरा कचुम्बर निकल गया मेरा, रिकॉर्ड करने में मेरी पूरी जिंदगी निकल गई है भाई, एक हफ्ता किसको बोलते हैं। लाइक कर देना भाई, वीडियो अच्छा नहीं लगे तो भी कर देना, ठीक है। अब जाके कुर्सी पे बैठ जाओ और कसम खा लो कि जब तक वीडियो खत्म नहीं होता तब तक तो उठूंगा ही नहीं मैं। और वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पे से, ये लो लेट्स गो। सबसे पहले एज यूजुअल मैंने लकड़ी की पिकेक्स बनाई एंड उसके बाद फिर गड्ढा खोद के मैं नीचे चले गया स्टोन की पिकेक्स बनाने, लेकिन उतने में दिखते मेरे को हमारे आयरन बाबा। तो आयरन बाबा को देख के मैं थोड़ा बावला हो जाता हूँ और मैं इसको लकड़ी की पिकेक्स से तोड़ने लगता हूँ। फिर मेरे को याद आती है कि भाई साहब अपने को स्टोन की पिकेक्स बनाने पड़ेगी। उसके बाद फिर मैं स्टोन की पिकेक्स बनाता हूँ, थोड़े से कॉबल स्टोन इकट्ठे करने के बाद फिर अपने आयरन बाबा को तोड़ लेके अपने घर लेके चले आता हूँ। एंड इसी के साथ साथ मेरे को दिखते हैं हमारे कोल भैया, कोल भैया को भी हम तोड़ लेते हैं, मजा आ जाता है, बहुत सारे कोल हमको मिलते हैं। थोड़े से स्टोन इकट्ठे करके फर्नेस बनाता हूँ एंड उसके बाद अपने सारे आयरन को मैं स्मेल्ट कर देता हूँ। वापस से कोल इकट्ठा किया, भाई कोल सबसे बेस्ट चीज लगती है। फिर जो आयरन शील्ड बना ली, थोड़ी सी अपने लिए टॉर्च बना ली और फिर गड्ढा भर के भाई मैं वापस ऊपर आई, तो गड्ढा भर के मैं बाहर निकलता हूँ। एंड उसके बाद फिर मैं देखता हूँ तो रात हो गई, रात हो गई तो अपने को कोई दिक्कत नहीं थी, अपने को करना थोड़ा खाने का जुगाड़। अपन गए पिगीस को मारने, सामने रिंग किया के पापा अपने दोनों भाई को लेके आ रहे थे। एंड उसके बाद ये देखो भाई स्केलेटन अपने स्पाइडर से कोलैब करके भाई मेरे को मारने आ रहा था कि दोनों पार्टनरशिप में इसको मारते हैं। और फिर मैं इसके बचने के लिए पानी में गया तो पानी में भी तीर मार रहा, उसको वहाँ भी चैन नहीं है। थोड़ा खाना खा के मैं ऊपर आया और देखो भाई मैं मरते मरते लिटरली मरते मरते बचा हूँ यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैंने भाई अपना दिमाग लगाया शील्ड ऊपर कर ली और जो भागा हूँ वहाँ से फिर तो रिंग किया के पापा को चंकट से चंकट मार के भागा हूँ। बहुत ही मुश्किल से जान बचा के मैं दूर निकला, मैं कई बार मरते मरते बचा। फिर आखिरी में मैंने सोचा कि भाई हीरोगिरी करने की जरूरत नहीं है, भाई आराम से बैठो और गड्ढा खोद के आराम करो। अगला दिन सुहावना, बहुत ही ज्यादा प्यारा दिन होता है। एंड मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास काफी ज्यादा फ्लावर्स हैं, उनको देख के मेरा मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। पास में स्पाइडर भी थी, मैंने सोचा कि इसके मजे लिए जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई जब वो कुछ उंगली नहीं कर रही अपन क्यों चूल मचाए। उसके बाद फिर मेरे को दिखते सामने आकाश के बायोम एंड वहाँ पे थोड़ा पिगीज, तो मैंने बोला चटपट बूम बम। एंड उसके बाद फिर अपन ने अपने लिए थोड़ा खाना को स्मेल्ट कर लिया, आई मीन कुक कर लिया भाई। अब सामने दिखता हूँ सैंड एंड उसके बाद बकरी मारी एंड में चला गया, जाना नहीं चाहता था मैं, और ही देखा था बाकी। वापिस यहाँ पे रिंकिया के पापा जल के अगले पद बन के हमारे सामने आगे खड़े हो गए, मेरे को भी जला दिया पगले ना, तो मैं क्या भाग के पानी की तरफ किया। उसके बाद फिर दो बंदे और ही पता नहीं कहाँ से आ गए थे, आपने वो देखा ना छोटा भी, उसमें दो जने होते ढुलू भुलू एक जैसे, भाई सेम वैसे लग रहे थे। उसके बाद फिर मैं उनको थोड़ा चनकट बूम बाम दिया। उसके बाद फिर हमको दर्शन देते हैं हमारे चाचा, जिनका नाम है एंडरमैन। दिमाग खराब कर दिया था भाई, खाना मेरे को लगा था मारेगा लेकिन नहीं मारा। आगे मेरे को रिवीन दिखती है, मैं खुश हो जाता हूँ क्या बात है, मैं नीचे आता हूँ। वापस यहाँ पे एक ढोलू खड़ा हुआ था, उसको चनकट मारा, मैं भाग गया वहां से। फिर हमको दर्शन देते हैं वापस से हमारे कोल भाई, तुम कोल को देख देख के खुश क्यों नहीं होते हो यार, मेरे को इतना सही लगता है, कहीं पे भी मिल जाता भाई सबसे बेस्ट ओर है। उसके बाद फिर वापस से कोल इकट्ठा करा, फिर थोड़ा सा मैंने कॉपर भी ले लिया क्योंकि अपने को आगे जब घर बनाएंगे ना तो वहाँ पे बिजलियाँ बहुत कड़केगी। एंड फिर फाइनली भाई मेरे को एक प्यारा सा घोड़ा दिखता है, लेकिन मेरे को दिखता है कि भाई वो काफी फंसा हुआ है, उसकी मदद करने की सोचता हूँ एंड उसके लिए मैं रास्ता बनाता हूँ। रास्ता बनाने के लिए काफी कॉबल स्टोन खोद के मैं ऊपर जाता हूँ ताकि वो इजिली बाहर निकल जाए, लेकिन हमारे जो घोड़े महाशय थे उनको उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, उनको तो वही फंसना ही था, वो जान मुझ के फंसे हुए थे। उसके लिए फिर मैंने सोचा इसको लूर करते हैं एंड उसके लिए भाई मैंने खेती करने तक चले गया, मेरे खुद के खाने के लाले थे लेकिन मैं उसके लिए खाना उगा रहा हूँ, पता नहीं इतना अच्छा मैं कैसे बन गया। उसके लिए मैंने वीट इकट्ठे करे एंड उसके बाद फिर हम जाते हैं भाई साहब को, लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, खाना तो दूर भाई देख भी नहीं रहा मुड़ के।
फिर जैसे तैसे करके मैं उसको बाहर निकालता हूँ, उस गड्ढे को बंद करता हूँ, एंड उसको देख के मेरे को इतना अच्छा लग रहा था, काफी सही लग रहा है उसको, मैं मतलब फाइनली उसकी जान बचा ली, उसको मैं खाना खिला के बैठता हूँ तो मेरे को दिल दे देता है एंड मेरे को बहुत खुशी होती है इस चीज को लेकर। एंड उसके बाद नीचे देखा मैंने बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, फिर मेरे को मजा ही आ गया, तो मैंने उसको गड्ढा खोदा, उस गड्ढे में नीचे डाल दिया, मतलब गड्ढे में नहीं डाल रहा हूँ, उसको कहीं भाग नहीं जाए ना इसलिए। फिर मैं सो के अगले दिन उठता हूँ तो वापस मेरे को पिगीज दिखता है, फिर वापस से बूम बाम, ये देखो चटपट बहुत सारा खाने इकट्ठा करा, शीप से वूल इकट्ठा करा, एंड मैं वापस से थोड़ा आगे आता हूँ तो मेरे को फिर एक रिविन दिख जाती है। भाई मेरे को इतना पता चल गया था कि ये जो सीड है ना मेरे लिए काफी ज्यादा लकी है, या कुछ भी बोल सकते हो। फिर थोड़ी आगे देखता हूँ तो विलेज मिल जाता है, तो मैंने कहा भाई ये तो क्या ही हो रहा है विलेज में। सबसे बड़ी बात तो मेरे को लूट में थोड़ा सा सैडल और हॉर्स का आर्मर मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे आयरन गोलम मिलता है, तो उसको भी थोड़ा सा मैंने बूम बाम किया। फिर आगे जाता हूँ, मेरे को इच्छा होती है कि वापस घर चलते हैं, फिर यहाँ को याद आता है कि घर तो है ही नहीं, तो मैं घर बनाने की प्रक्रिया शुरू करता हूँ, जमीन थोड़ी क्लेम करता हूँ। तुम लोग को पता मेरे बिल्डिंग्स के अच्छे नहीं है, लेकिन घर कैसा बचता है वो तुम्हें यहाँ खुद देखो। देख लो भाई तुम लोग को, भाई मेरे को पता है घर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ये ट्रांजिशन बनाने में लिटरली दिमाग खराब हो गया, आधा एक घंटा लग गया मेरे को ये इतने से 10-15 सेकंड का ट्रांजिशन बनाने में। तुमको पता है ना बहुत एफर्ट्स लगते हैं, तो लाइक कर दो भाई, और बाकी वीडियो भी थोड़ा बाकी है तो वो भी देख लो। तो यार इतना सारा काम करने के बाद भाई मेरे को कब 20-22 दिन निकल गए पता नहीं चला, लेकिन 22 दिनों में इतना ही नहीं होता, एक और अंदरूनी चीज होती है जो कि मैंने अंदर ही छुपा के रखी थी, वो मैं तुम लोग को अब ओपन करने वाला हूँ। जब मैं घर बना रहा था तो बीच में मेरे को आया था एक अटाले वाला, अब मैं इसको अटाले वाला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भाई ट्रेडर है और ये जो चीज बेच रहा है सबका सब अटाला है। अब इन सबको मार के मेरे को मिलती है लीड, इस लीड का मेरे को बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था। मैं गया अपने हॉर्स के पास एंड अपने हॉर्स को अपने साथ वापस लेके आया, उसको मैं फिर गोल्डन हॉर्स आर्मर भी पहनाता हूँ, और अब ये बगल में तुमको सुंदरी दिख रही है सफेदी, हाँ हाँ ज्यादा घूरने की जरूरत नहीं है, भाभी है तुम्हारी, मतलब मेरे को अच्छी नहीं लगी, अपना ये जो घोड़ेश्वर है महाराज इनको काफी पसंद आ गई थी, उन्होंने बोला सेटिंग करा दो, मैंने कहा ठीक है। के बाद मैं गया उसके पास और गड्ढा खोदा, उसको गड्ढे में फेंक दिया, मतलब उसको मतलब कहीं चली नहीं जाए इसलिए यार। के बाद फ्यूचर में वापस से घर बनाने जाता हूँ तो मेरे को वापस एक ट्रेडर मतलब वो अपना अटाले वाला मिलता है, उसके दोनों मजदूर या ठेकेदार अपने साथ लेके आते हैं, वो मैंने वापस से मार मार के भगाया क्योंकि वो फिर से कचरा बेचते। फिर मेरे को एक और लीड मिलती है तो मैं इसको भी लीड पहनाता हूँ और बांध देता हूँ उसके पास में, ताकि भाई थोड़ा साथ में रहे, घुल मिल जाए यार। और मैंने उसको बोला कि भाई पटा लियो, उसने बोला ओके ओके ओके। तो उसके बाद फिर मैं अपने लिए एक प्यारा सा फार्मिंग एरिया बनाता हूँ, जहाँ पे फार्म करने वाला था, फार्मिंग करने वाला था, एंड इसमें फिर मैं काफी ज्यादा अपने लिए वीट उगाता हूँ एंड थोड़ी सी कैरेट्स उगाता हूँ। अब देखो वीट का काफी फायदे हैं, एक तो मैं अपने लिए ब्रेड्स बना सकता हूँ एंड उन ब्रेड से मैं अपने विलेजर्स की ब्रीडिंग भी करवा सकता हूँ, एंड कैरेट्स इसलिए बिकॉज भाई ट्रेडिंग में काफी काम आती है, एंड और भी काम आती है वो मैं तुम लोग को आगे बताऊंगा। अब इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट तुम लोग देख सकते हो कि भाई मैंने किस तरीके से फार्मिंग करी है, ज्यादा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि ज्यादा बड़ा एरिया नहीं था, लेकिन फिर भी इतना इनफ था। अब थोड़ा यूनिक सा डिजाइन बनाया था मैंने, तो तुम लोग को कैसा लगा मेरे को कॉमेंट से जरूर बता देना। उसके बाद फिर मैं जाता हूँ माइन शाफ्ट में, बिकॉज मैंने सोचा थोड़ा सा एक्सप्लोर करना जरूरी है, तो माइन शाफ्ट में जाते से भाई मैं काफी ज्यादा पंगे लेता हूँ स्पाइडर्स वगैरह से, एंड अभी आगे देखो क्या होता है। पहले तो मेरे को थोड़ा गोल्ड मिलता है तो मैं गोल्ड ले लेता हूँ अपने साथ, एंड गोल्ड लेके अपने साथ जाता हूँ बिकॉज भाई गोल्ड भी इंपॉर्टेंट है। एंड फिर जो मेरे को यहाँ पे एक स्पॉनर मिलता है मकड़ी का, भाई मैं पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहा था, तुम लोग अगर समझ में आ रहा है कि मैं क्या करने का ट्राई कर रहा हूँ तो तुम मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, बाकी ये तुम कैसे बता सकते हो। मेरे को लगा कि यहाँ पे से स्पाइडर नहीं आ पाएगा, लेकिन स्पाइडर भाई जो कूदी मारता है एंड वो एकदम मेरे जान लेते लेते भाई ये देखो मैं एक बार मरते मरते बचाऊँ, एंड एक बार नहीं मैं कई बार मरते मरते बचाऊँ, फिर ऐसे अपने आप को पानी से बचाता हूँ, भाई पानी ने बहुत हेल्प किया मेरे को। एंड फिर फाइनली मैं इनका उन लोग का मतलब जो स्पॉनर था इसको तोड़ देता हूँ, एंड यहाँ पे जो बेचारा एक ज़ॉम्बी फंसा हुआ था उसको मैं सोचता हूँ निकाल दूँ, लेकिन फिर मैंने कहा हटाओ भाई क्या करेंगे निकाल के इसको, वो बाद में अपने को ही मारेगा। फिर मैं अपने घर पे आके विलेजर का ट्रेडिंग हॉल बनाना स्टार्ट करता हूँ, एंड भाई ये कैसे बनता है क्या क्या होता है इसके अंदर वो आप यहाँ पे खुद देख लो। इसकी डिजाइन बनाने में मेरे को थोड़ा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया क्योंकि क्या ही बताऊँ, इसके वो थोड़ा डिज़ाइन ये पूरा मेरे अपने अंदर से बनाया है कि भाई क्या क्या चीज़ मैं इसमें लगा सकता हूँ, मैंने कहीं से कुछ भी नहीं देखा है, सब कुछ मन से बनाया है।
सो डिजाइन पसंद आए तो तुम लोग मेरे को बता देना कि कैसा लगा तुम लोग को। प्रॉपर इंटीरियर करने के बाद एक जो लुक आ रहा था वो कुछ इस टाइप का था। एंड हमारा ट्रेडिंग हॉल थोड़ा ऐसा लग रहा था। एंड उसके बाद अगले दिन मैं जाता हूँ विलेज में। एंड हाँ, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि भाई मेरे को बीच में एक एमेथिस्ट वाला एक एरिया मिला था, बायोम मिला था, जहाँ पे मैं एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट या मैं विलेजर्स को लेके अपने घर पे आता हूँ एंड अपने घर पे ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि भाई विलेजर्स ये है ना अपने को। फिर वो लोग को जॉब मिल जाती है जो मैंने लैक्टेंस रखे थे उनसे। एंड ये लोग मेरे को एक बंदा मेरे को मल्टी शॉट दे रहा था। तो उसके बाद गाइस मैंने यहाँ से मल्टी शॉट ले लेता हूँ एंड फिर मैं चले जाता हूँ अपने फार्मिंग करने के लिए। वहाँ पे थोड़े से भाई अपने लिए जितने वीट्स लगा सकता हूँ उतने लगाता हूँ एंड थोड़ी सी कैरेट की फार्मिंग करता हूँ, बिकॉज हम लोग को इनसे ट्रेडिंग करनी थी। उसके बाद फिर मैं जितने ब्रेड्स बना सकता हूँ उतने सारे ब्रेड्स बना लेता हूँ। एंड फाइनली गाइस हम लोग के पास इनफ ब्रेड हो जाते हैं जिनसे हम लोग अपने प्यारे प्यारे विलेजर्स की ब्रीडिंग करवा सकते हैं। एंड देखते हैं भाई ये लोग का क्या रिएक्शन होता है, मतलब कि ब्रेड खाने के बाद ये लोग कितनी स्पीड में काम करते हैं। आई मीन बाकी मैं बेड्स वो लोग के लिए लगा देता हूँ ताकि वो लोग ब्रीड कर सके। आई मीन बेड्स की ज़रूरत होती है ना वो लोग को। अब मैं इनको देखता हूँ भाई ब्रेड तो खिला दिए, अब क्या चाहिए, ये लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे। मैंने सोचा कि भाई बाहर जाके देखता हूँ, हो सकता है पर्सनल मतलब प्राइवेट का काम हो। उसके बाद फिर मैं एक प्यारा सा आई मीन ये एक बाड़ा बना देता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ना पिग वाला, वैसे ही मैंने सोचा कि अपने लिए काऊ भी रख लेते हैं, शीप भी रख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये वाला काम भी हो जाता है। एंड उसके बाद फिर हम लोग देखते भाई अगले ही दिन हम लोग के पास आई मीन नेदर पोर्टल बनाता हूँ मैं पहले, तो हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एंड उसके बाद मेरे को पता नहीं मैं यहाँ पे क्या होता है, तुम ही लोग भाई देखो भाई क्या होने वाला है। जो जो उसमें नेदर पोर्टल तो बना दिया, अब मेरे को क्या पता क्या भूत चढ़ता है, अब तुम लोग खुद ही देख लो भाई मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। ये अपनी शक्ल दिखाई, क्राउच किया और ये भाई ये घूम गए। ये क्या मालूम क्या हो गया था भाई, मैं भूल गया कि अंदर जाना था और मैं पता नहीं कहाँ चले जा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी जितनी कैरेट्स वगैरह रहती हूँ उसको मैं एक्स से तोड़ रहा हूँ, पता नहीं क्या हिसाब है। बट यार तोड़ी मज़े आए, ऐसे में बहुत ज़्यादा कैरेट्स की फार्मिंग करता हूँ। एंड उसके बाद मेरे पास देख लो कितनी सारी कैरेट्स हो जाती है। ये एक दिन के सिलसिला नहीं था भाई, बहुत ज़्यादा दिन तक मैंने कैरेट की फार्मिंग करी तब जाके मेरे को इतनी कैरेट्स मिली। एंड ये लगातार रहा, आई मीन मेरे को ऐसा लगता है कि भाई कैरेट थोड़ी ज़्यादा जल्दी उगती है। उसके बाद फिर मैंने फार्मर के पास जाके बहुत सारे ट्रेड करी एंड यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे एमराल्ड्स हो चुके थे। फिर अब देखो मेरे को चाहिए था भाई थोड़ी सी बुक्स, लेकिन मैं अपना दिमाग लगाता हूँ भाई बंदे से बुक शेल्फ खरीद रहा हूँ, ऐसा नहीं कि खुद बुक बना ले लेदर से बन जाता है। बट नहीं, मल्टी शॉट ले लिया अपन ने, उसके बाद फिर इफिशियंसी 5 काफ़ी माथा फोड़ी करने के बाद मेरे को मिला है रिस्पिरेशन 3, इफिशियंसी 5, ऐसे अच्छे अच्छे कुछ चीज़ें, इंचांटमेंट। उसके इंचांटमेंट करने के बाद अपना जो बंदा है तुम्हारा भाई ऐसा चमक रहा है भाई एकदम चकपक। फिर मेरे को याद आती कि चलते हैं नदर में, नदर में चाहता हूँ मैं एकदम घुस जाता हूँ एकदम मस्ती में फुल। रेड वाले बायोम के अंदर मेरे को स्पॉन करते पहले तो डर लग रहा था कहाँ उतारेंगे। फिर पहला टास्क मेरे को मिल जाता है कि मेरे को थोड़ा ब्रिज क्रॉस करके जाना है, तो मैं यहाँ पे ब्रिज बनाने में इतना नर्वस हो जाता हूँ। ये देखो भाई ज़्यादा मैं अच्छे ढंग से नज़र एक उठा भी नहीं रहा हूँ, इतना ज़्यादा पैनिक कर जाता हूँ। मेरे को भाई लावा देख के पहले डर लग रहा था कि मैं जला, तो भाई पहले आयरन है मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं आयरन पर। बाकी हम लोग इंचांटमेंट अच्छे थे, आगे मेरे को थोड़ा गोल्ड मिलता है एंड यहाँ पे नज़र आई मीन कॉर्ड्स पड़े हुए हैं, देखते हैं क्या करते हैं। फिर मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो भाई मेरे को एक मिलता है हरामी बच्चा, एकदम सुअर का बच्चा भाई, इतना गंदा बच्चा ये। इसको मैं देता हूँ गोल्ड ट्रेड करने के लिए, लेकिन मेरे ट्रेड से आई मीन ये गोल्ड से खेल रहा है वो, मेरे को ट्रेडिंग के बदले में कुछ दे ही नहीं रहा भाई, निश्चा एकदम स्कैम करके भागा है। और ऐसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं, तो मैंने उसको एक चनकट बजा के दिया एकदम गुद्दी पे रख के दिया। भाई मेरा गोल्ड लेके भाग रहा था यार, तो मैंने क्या करता। उसके बाद फिर मैं थोड़ा लावा में जला, मैं ट्राई कर रहा था लावा में जलने का, मतलब
जानबूझ करने जाना गलती से भाई, तुम लोग सीरियस मत ले लेना। उसके बाद मेरे पास फायर प्रोटेक्शन था तो बच गया, फिर आगे जाके मेरे को ये लोग उसके मम्मी पापा मिले भाई, वो उससे ज्यादा बड़े स्कैमर्स, वो लोग ने और स्कैम कर दिया। वो लोग ने सामान तो दिया लेकिन ये अटाला सामान दे दिया मेरे को। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा ठीक है, उसके बाद फिर मैं गाइस तुम लोग को बताता हूँ, मैं फोर्ट्रेस गया था लेकिन वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई, आई डोंट नो व्हाई। फिर मैं यहाँ के हॉगलिंग को मारता हूँ, इसको हॉगलिंग नहीं बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैंने गोल्ड के ब्लॉक्स लूटे, जिसको पता होगा भाई बैशन एमिनेंट में गोल्ड ब्लॉक मिलते हैं, तो मैंने गोल्ड के ब्लॉक्स लूटे थे ऊपर आगे डायरेक्टली। एंड यहाँ पे देख सकते हो 16 तुम लोग को मेरी इन्वेंटरी में दिख रहे होंगे, तो मेरे पास वो 16 गोल्ड ब्लॉक वहीं से आए। और फिर ये जो नल्ला एकदम भाई देखो, ये मेरे को क्या ट्रेड था, आई मीन मेरे को भी याद नहीं है भाई, मेरे को लगा दे दिया कचरा दे दिया इनने भी, कुछ गंदा ही कुछ दिया मेरे को पता भी नहीं चल रहा है वीडियो में, लेकिन मेरे को यहाँ पे ओके यहाँ पे ब्रूट आता है मेरे पास। एंड यहाँ पे भाई तुम लोग को बता दो भाई, यहाँ पे जो अपन अगर गोल्ड ब्लॉक चुराते ना तो ब्रूट आता हमारे पीछे। एंड इसने मेरे को एकदम सबूत देना आया था कि हाँ भाई भरोसा कर लो, इसने गोल्ड ब्लॉक चुराए हैं। ये बंदा आता है, इसको मैं मारता हूँ, इसमें जान इतनी ज्यादा होती है कि मरता ही नहीं। उसके बाद फिर पीछे से इसको पता नहीं क्या भूत चढ़ जाता है, पता नहीं कि मतलब हो सकता है कि मैंने बाकियों को गोल्ड दिया उसको नहीं दिया ना, तो इसलिए मेरे पास आया। अब ये दोनों खड़े थे, मैंने इनके साथ स्कैम किया जाए, यहाँ पे स्कैम कर दिया अपन ने। इन लोग की प्रजातियों ने मेरे साथ बहुत स्कैम किया था। फिर ये दोनों और दिखते, मैं इसको भी स्कैम करने की सोचता हूँ, लेकिन इतने मेरे को दिखता है कि एक पगला यहाँ पे नहा रहा है लावा में। मैंने कहा ठीक है भाई, उसके बाद आगे जाता हूँ तो मेरे को चेस्ट मिलती है, फाइनली चेस्ट मिलती है, लेकिन उसमें क्या मिलता है, कचरा, निस्ता कचरा एकदम अटाला। भाई यार क्या चाह रहे हो, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करने के बाद, इतने रिस्क लेने के बाद भी मेरे को कुछ नहीं मिलता है। एंड मेरे काफ़ी ज़्यादा दिन ऑलरेडी निकल चुके थे। मैं घर आता हूँ, फिर फाइनली अपने लिए गोल्डन कैरेट्स बना लेता हूँ। एंड अपने लिए नहीं बनाता हूँ, मैं किसके लिए बनाता हूँ तुमको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एंड इसी तरीके से मैं बाहर जाता हूँ, एंड अपने प्यारे से आरसीएस, इसका नाम मैंने आरसीएस रखा था, इसका नाम सिक्योरिटा, इनको खिलाता हूँ। इनकी होती है ब्रीड है, इनका प्यारा सा बच्चा होता है। एंड उसका नाम मैं क्या रखूँ भाई, तुम लोग मेरे को कमेंट्स में बता देना, क्योंकि अगले एपिसोड में हम रखेंगे। हाँ, ये एक ही पार्ट है। इसके बाद मैं जाता हूँ एक आउटपोस्ट में फिलेजर के, एंड वहाँ पे सोचता हूँ कि भाई अपने थोड़ी रेट वेट हो जाएगी तो थोड़े दाम सस्ते हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे को उनका मेन जो मालिक होता है वो मिल ही नहीं रहा है। क्रिकोटन मेरे को मार रहे थे लेकिन उनको, ये मेरे को नहीं मारता भाई, थॉर्न्स लगा है। यहाँ बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद पूरे की पूरी, लोग बोलते कि यहाँ पे लूट मिलती, भाई लूट नहीं मिलती, यहाँ पे कचरा मिलता है। यहाँ मैं ऊपर जाके देख के आ चुका हूँ, यहाँ पे ये देखो ऊपर आ गया हूँ ना मैं, यहाँ पे मैंने देख लिया था, कुछ नहीं मिला है मेरे को। और बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद, इनको चटकाने के बाद मेरे को कुछ मिला, तो वो ये है। और ये नमूना यहाँ पे क्या कर रहा था मेरे को नहीं पता, इसको मारता हूँ तो मेरे को इफेक्ट मिलता है। उसके बाद फिर मैं थोड़ी रेड वेट के काम चालू हो जाते हैं। अब ये देखो भाई कैसी रेट चल रही है अपनी, काफ़ी ज़्यादा, आई मीन पूरी रेट तो नहीं दिखा सकता, पूरी नहीं तो 20-25 मिनट की रेट तुम्हारे को ऐसे देखना पड़ेगी। बाकी जिस तरह तुम लोग देख सकते हो भाई, ये एक शॉट में मरा है प्रॉपर भाई। तुम्हारे भाई को कोई दिक्कत नहीं थी पूरी रेट खत्म करने में, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस हाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो तुमको आगे पता चलेगा क्या प्रॉब्लम थी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरे को हीरो ऑफ द विलेज का टैग नहीं मिला, क्योंकि हमारे गोलम्स मर गए थे एंड हमारे थोड़े विलेजर्स भी मर गए थे, तो नुकसान हो गया था यार कुछ ना। बाकी यार इस प्रकार से हमारे सिर्फ 2-3 विलेजर बचे, एंड यहाँ पे मेरे को 2 अंडाइंग मिल चुका है क्योंकि मैं रेड जीत चुका हूँ। बाकी ये लोग नमूने होने मेरे को हीरो ऑफ द विलेज का विक्ट्री साइन क्यों नहीं दिया पता नहीं, आई मीन शायद हो सकता है कि अगर विलेजर्स मर गए मतलब कि फिर आपको वो साइन नहीं मिलेगा, आई मीन शायद ऐसा कुछ होता होगा। सो या इतना ही था, हम लोग ने टोटल 75 डेज सर्वाइव कर भी लिया है। आई डोंट नो तुम लोग को फील हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 18 मिनट की वीडियो हम लोग ने टोटल बनाई है। एंड इसके बाद मैं आउटप्रो दे रहा हूँ, तो तुम लोग देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, काफ़ी सारी चीज़ें देखी। इस वाली वीडियो में ज़्यादा एक्शन नहीं था, ज़्यादा एडवेंचर नहीं था, बट ये हम लोग ने थोड़े बिल्ड्स बनाए एंड हम लोग ने एक प्यारा सा बेस बनाया। अब हम लोग को सिर्फ इतना करना है कि प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ अगले एपिसोड में जो 25 डेज सर्वाइव करने वाले हम लोग, वहाँ पे एंडर मैन कॉरियर, एंडर ड्रैगन और विदर को मारना है, बिकॉज वो अब हम लोग के अगले टारगेट्स होने वाले हैं। एंड उन लोग को मार के हम लोग भाई गेम को बीट करेंगे एंड हमारे 100 डेज कंप्लीट करेंगे। सो इस वाली वीडियो को प्लीज तुम लोग सपोर्ट करो, सारे के सारे फ्रेंड्स से शेयर भी कर सकते हो आप लोग, फ्री होता है, सब्सक्राइब कर देना चैनल पे नए हो तो, काफी ज्यादा मेहनत लगी है, अब मैं बार बार नहीं बोलना चाहता हूँ। सो या वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं तुम लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।